What's up everybody, this is Jason Kial Chal. Sat Sri Akal, ki haal hai dosto, naye saal ki sabko hardik shubhkamnaye. Wish you a very happy new year 2020 and I hope ki ye saal aapka jaye bahut rocking. Aapko health mile, wealth mile, happiness mile aur jo aapki ichhaen sab puri ho jaye. फिलहाल तो अपनी एक छोटी सी कोशिश है कि आपको याद दिलाया जाए कि हमारा मतलब 2019 कैसा गया है. सो दिस इज द रिवाइंड वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या अच्छे मोमेंट्स थे, क्या बुरे मोमेंट्स थे, क्या नई चीजें हुई 2019 में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. स्टार्टिंग में ही हमने लॉन्च किया अपना कैलेंडर जो हर साल करते हैं और इस साल भी होगा, और साथ ही हमने किया एक ग्रैंड मीटअप और उसके अंदर में लॉन्च करी अपनी मर्चेंडाइज जेसन नेशन. तो उसको पूरा एक्सेल कंप्लीट होने वाला है. एंड लेट मी टेल यू गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी कंट्री में किसी और मोटो ब्लॉगर ने इतना ग्रैंड मीटअप अभी नहीं किया होगा. ऑल थैंक्स टू यू. बहुत मेमोरेबल डे था जनवरी में, 13 जनवरी को मैंने लॉन्च किया था. Not even Delhi meetup, मैंने इस साल में बहुत सारे meetup किए और एक international meetup भी किया. चेन्नई में, बैंगलोर में, मुंबई में, लुधियाना में, वडोदरा में और नेपाल में, और शायद एक आधा और क्यों होगा अगर मैं भूल गया हूँ. बट गाइस हैव अ लुक एट दिस मॉन्टाज, यू गोना लव इट. क्योंकि बहुत एनर्जी मिली, बहुत प्यार मिला, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए दिल से थैंक यू जेसन नेशन फैमिली. और वो भी फ्री फॉल होने का तो बहुत ज्यादा डर था. इसको मैंने एनकाउंटर किया, इसका मैंने सामना किया, गोवा जाके मैंने करी बंजी जंपिंग. तो वहां पे मैंने एक एक्टिविटी करी जिसका नाम था अल्ट्रा फ्लाइट और बहुत ज्यादा मजा आया. और ये जो मेमोरीज है ना, ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली हैं, तो मैं इनको भी चेरिश करता हूं जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं 2019 के अंदर. वैसे अब बात कर लेते हैं, थोड़े से हमने महंगे खर्चे किए, महंगे शौक पाले इस 2019 में. जैसे सबसे पहले हमने अपनी Z800 वापस ली जो अभी खाना जी चलाते हैं. आप लोगों ने बहुत प्यार दिया जो हमने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था, मतलब आई गिफ्टेड हिम हिज ड्रीम बाइक. उसके बाद में हमने उस बाइक की पार्टी करी थी रेड लाइट पे, वो भी वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा. इनकेस आपने वो सारे वीडियोस मिस कर दिए तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे. एंड उसके बाद गाइस, मेरा एक लॉन्ग ड्यू सपना था, मेरे ऑफिस में एक आई मैक होना चाहिए, वो मैंने परचेज किया. बूसा के लिए रेस फिट खरीदे जो एक टाइम पे मेरे को लगता था कि बहुत महंगे यार, 1,40,000-50,000 रुपए के. और उसके बाद में हमने खरीदे कुछ इक्विपमेंट, जैसे उनमें से ये वाला कैमरा है जिसपे भी वीडियो शूट हो रहा है, सोनी का A7R3, राइट.
अभी भी कई बार मैं नाम लेने में कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिर हमने लिया 85mm प्राइम लेंस और उसके साथ में लिया इंस्टा 360। और ऐसे ही साल खत्म होते होते छोटी मोटी चीजें और एक और अचीवमेंट मैंने करी थी, मैं इंटरनेशनल गया, वहां पे मैंने खरीदी टाइनी जी की जैकेट जो मेरे पापा ने मेरे को लेके दी, तो बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए। और साथ में मैंने खरीदा आईफोन 11 मैक्स प्रो। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे याद है और बहुत सारी छोटी मोटी चीजें थी जो मैं अभी फिलहाल भूल जाऊंगा। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ माय लाइफ इन 2019। वो था एक फैमिली वेकेशन इंटरनेशनली। जब से मैंने करियर सेट किया था ना, मेरा एक सपना था कि पेरेंट्स को लेके, फैमिली को लेके इंटरनेशनली जाया जाए। तो हमने चूज किया इटली। हम लोग 3 दिन थे वेनिस में, 3 दिन थे रोम में, 2 दिन थे फ्लोरेंस में। उसके बाद में फैमिली वापस आ गई। जो मेरा ब्रदर था वो आगे चला गया पेरिस, और मैं और मेरी वाइफ 6 या 7 दिन के लिए चले गए स्विट्जरलैंड। अब अपार्ट फ्रॉम फैमिली ट्रिप, मैंने इस साल में बहुत ज्यादा ट्रिप किए, बहुत सारे रोड ट्रिप्स किए, मतलब काउंटलेस रोड ट्रिप, छोटे बड़े मिला के मैंने बहुत सारे ट्रिप किए। जैसे छोटे ट्रिप अगर हम बात कर ले तो हम लोग जयपुर गए, अनंतपुर साहब गए, लुधियाना गए। अगर हम बड़े ट्रिप की बात करते हैं 10 से 15 दिन के, तो इस बार वो भी काफी हुए। साल की शुरुआत में हम लोग गए भूटान, उसके बाद वहां से गए नेपाल। तो लगभग 12 से 15 दिन का ट्रिप ये था। And just after a month, मैंने प्लान किया कि मैं स्पीति भूसा लेके जाऊं, जो किसी ने पहले नहीं किया। So luckily that happened कि मैं भूसा लेके successfully स्पीति गया, but वहां से आगे थोड़ा सा रास्ता बंद था, जिसकी वजह से मैं लद्दाख गया दोबारा से भूसा लेके। रिसेंटली मैं अभी नेपाल में ट्रिप करके आया, वहां पे मैंने मीटअप किया, नॉर्थ सिक्किम गया, गुरु डोंगमार ले गया, भूसा लेके। तो ये सारे मोमेंट्स मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। एंड लास्टली गाइस, अभी हम लोग गोवा हो गए हैं, तो दैट वाज अगेन अ बिग ट्रिप, क्योंकि 12 से 15 दिन लग गए थे हमारे। Guys, I hope 2019 में मैंने आपको जो जो बातें करी, जो जो चीजें आपको दिखाई, you can relate, because मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको साथ लेके चले, अपनी जर्नी एक्सपीरियंस सब कुछ आपके साथ मैंने शेयर किया। And let me tell you, 2020 के लिए बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। So I'm very motivated, very positive, very like looking forward guy, कि मेरे को ऐसा लगता है कि 2020 में मैं वो सारी चीजें करूंगा जो 2019 में नहीं कर सका, जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेवल होने वाले हैं। अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा, अपने ये जो वीडियो के है ना, वीडियो बनाने पे, इस पे इम्प्रूवमेंट की जाएगी, फैमिली को ज्यादा टाइम दिया जाएगा, अच्छे दोस्त बनाए जाएंगे, लॉयल फ्रेंड बनाए जाएंगे। लॉयल फ्रेंड मतलब लॉयल फ्रेंड बनाए जाएंगे, क्योंकि हर कोई जो आपके करीब आता है वो आपका दोस्त नहीं होता, ये मैंने सीखा 2019 में। फिलहाल तो करते हैं वीडियो क्लोज। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, अच्छी लगी तो भी लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो, क्योंकि मेरी इच्छा है 2020 की स्टार्टिंग में ही अपने हो जाने चाहिए 2 मिलियन। We should be 2 million strong. इसी नोट पे करते हैं वीडियो क्लोज। मेहनत मेरी, रहमत उसकी, प्यार आप सभी का। वंस अगेन विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर 2020। सी यू गाइस अगेन। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ जेसन। बाय।